और तलाक। तीन बार तलाक कहकर सहारनपुर की शगुफ्ता शाह को उसके शौहर शमशाद ने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। शगुफ्ता प्रेग्नेंट है और उसका शौहर उसे गर्भपात को इसीलिए कह रहा है कि कहीं उसे फिर बेटी ना हो जाए। शगुफ्ता अब और बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन बेटे की चाहत में वो फिर प्रेग्नेंट हुई थी। लेकिन प्रेग्नेंट होने पर उसका पति उस पर गर्भपात कराने का दबाव डालने लगा। शगुफ्ता का कहना है कि 3 महीने की प्रेगनेंसी के बावजूद उसके साथ मारपीट की जा रही थी। उन्हें लड़के की चाहत थी, मैं इस बात को मानना नहीं हुई बिल्कुल भी, तो मेरे साथ उन्होंने मारपीटाई करी, रिश्तेदारों को बुला लिए, उसने मुझे तलाक दे दी। मैं तलाक के बाद बेहोश गिर गई, मुझे होश नहीं रही। शौहर के तलाक देने के बाद शगुफ्ता अपने दोनों बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर आ गई। उसने अपने इलाके के पुलिस थाने में जाकर भी शिकायत की, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं की गई। शगुफ्ता ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर उनसे मदद की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी जी को चिट्ठी भेजी, अब मैं 3 तलाक को खत्म करे, मेरी बात का मैं जैसे मेरे साथ हुआ किसी लड़की के साथ ना हुए, 3 तलाक को खत्म करा, मेरी कुछ इंसाफ और सहायता मदद में करेंगे। ये चाहते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी सरकार है, और जी ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिले और हमारी सहायता की जाए, मदद की जाए। इस मामले को लेकर कुछ मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार की राय मांगी थी। सरकार 3 तलाक की कुप्रथा को खत्म करना चाहती है, लेकिन मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।